आज बुधवार है और आज के दिन इंतजार था चौधरी लाल सिंह के समर्थकों को, चौधरी लाल सिंह के परिवार को, कोर्ट के उस फैसले का, कोर्ट के उस निर्णय का जो उन्हें बेल देता। हालांकि आज उस पर सुनवाई नहीं हुई, उस सुनवाई को टाल दिया गया है कि बेल एप्लीकेशन पर क्या डिसीजन या क्या फैसला कोर्ट लेता है अब वो कल पता चलेगा। हालांकि आज जो समर्थक हैं उनसे जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें तो पूरी उम्मीद है कोर्ट से कि चौधरी लाल सिंह को जो है अब बेल मिल सकती है, क्योंकि जो हमारी तरफ से, हमारे तरफ से जो हमारे जो वकील थे उन्होंने जो दलीलें दी हैं उन दलीलों को कोर्ट ने बड़ी संजीदगी से सुना है, और जबकि दूसरी तरफ से जो ईडी की तरफ से जो दलीलें पेश की गई, उनकी तरफ से जो उनके वकील पेश हुए, उनकी तरफ से जो दलीलें दी गई हैं वो कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। ये जो सारी बातें हैं, ये तमाम बातें चौधरी लाल सिंह के समर्थकों ने हमें बताई हैं कि उस दिन अंदर बहस के दौरान क्या क्या हुआ। फिलहाल ये कोर्ट की बातें हैं, उसमें हम ज़्यादा नहीं जाना चाहेंगे, बहस में क्या हुआ उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है अब कल पर निगाहें टिकी हुई हैं, उनके समर्थकों, उनके परिवार को ये उम्मीद है कि कल चौधरी लाल सिंह को बेल मिल सकती है। अब आपको फटाफट मामला एक बार फिर से दोहरा देते हैं। चौधरी लाल सिंह को ईडी ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया था जब उनकी एंटीसिपेटरी बेल, उस दिन अंतिम दिन था, एंटीसिपेटरी बेल जो उन्होंने ली थी उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया और ईडी ने कई दिनों तक उन्हें अपने कार्यालय में रखा और उनसे पूछताछ भी की। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चौधरी लाल सिंह पर जो है उस मामले के तहत जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद जब ईडी को लगा कि अब हमारी पूछताछ या हमें कोई और लीड उनसे अपने कार्यालय तक नहीं चाहिए या कार्यालय में रखकर नहीं चाहिए, तो उन्होंने उसके बाद चौधरी लाल सिंह को, जो जज साहब हैं, उन्होंने उन्हें जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया 14 दिन की। उसके बाद आपको ये भी बता दें कि लगातार चौधरी लाल सिंह जो है वो बेल एप्लीकेशन, उनकी जो कोर्ट में अर्जी जो दी गई है बेल एप्लीकेशन की कि हमें, मुझे बेल दी जाए, और जो चौधरी लाल सिंह के वकील थे वो लगातार वो भी दलीलें दे रहे थे, उस पर लगातार सुनवाई चल रही थी। आज से 2 दिन पहले भी इस पर सुनवाई हुई थी जब जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं उन्होंने सुनवाई, जो बेल एप्लीकेशन पर जो निर्णय था उसे सुरक्षित रख लिया था, या फिर यूं कहें कि उन्होंने आज बुधवार के लिए उस दिन, बुधवार का दिन जो है मुकम्मल किया गया था। लेकिन आज कहा जा रहा है कि जैसे ही कोर्ट खुला तो उस वक्त उन्हें बेल एप्लीकेशन पर, आज भी कोर्ट ने कहा कि इस पर जो निर्णय है, जो फैसला है, वो अगले कल यानी कि गुरुवार को सुनाया जाएगा। और अब देखना ये होगा कि क्या कल चौधरी लाल सिंह को बेल मिलती है या फिर ईडी जो है, जो उसकी तरफ से, जाहिर सी बात है कि ईडी अपनी तरफ से कई सारी वो दलीलें देगी, दी होंगी, जब सुनवाई चली होगी उस दौरान उनकी तरफ से कई सारी दलीलें दी गई होंगी कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, चौधरी लाल सिंह एक बड़े नेता हैं और वो पूर्व मंत्री रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, तो एक अपना प्रभाव जो है वो डाल सकते हैं। ईडी के जहन में ये चीज़ें ज़रूर रही होंगी। हालांकि जो चौधरी लाल सिंह के पक्ष की बात करें, जो उनकी तरफ से जो दलीलें दी गई होंगी उसमें लगातार यही कहा जा रहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ही नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि ये जो मामला है इसे पीएमएलए केस में अगर ईडी ने डाला है तो ईडी ने सरासर गलत किया है। ये उनके समर्थक लगातार, जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है, लगातार उनके समर्थक इस तरह के आरोप लगाते आ रहे हैं। आपको बता दें कठुआ में जो आरबी एजुकेशन ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के नाम पर जो ज़मीन है उसमें अनियमितता करके उस ज़मीन को लिया गया, ट्रस्ट के नाम पर वो ज़मीन कर दी गई। जो ईडी की तरफ से जो बयान जारी किया गया था एक अखबार के हवाले से, उसमें बताया गया था कि चौधरी लाल सिंह की जो वो आरबी एजुकेशन ट्रस्ट है जिसकी चेयरपर्सन कांता अंडोत्रा, पूर्व विधायिका चौधरी लाल सिंह की पत्नी हैं, उनके नाम पर वो ट्रस्ट है, उन्हीं की जो परिवार के कुछ और लोग भी उस ट्रस्ट के मेंबर्स हैं। और आपको ये भी बता दें कि चौधरी लाल सिंह की जो एक बेटी हैं वो खुद जज भी हैं, लेकिन उनसे भी ईडी ने, उन्हें भी पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाया गया था। जिस दिन चौधरी लाल सिंह की गिरफ्तारी हुई थी ईडी द्वारा, उसी दिन उन्हें भी उस कोर्ट, ईडी ने उस मामले में पूछताछ के लिए अपने दफ्तर में बुलाया गया था, ऐसा उनके समर्थकों का कहना था। और आपको ये भी बता दें
कि जो आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट है उसके पास ईडी द्वारा जो बयान दिया गया था उसमें ये कहा गया था कि करीब 320 कनाल से ऊपर की जमीन जो है वो इल्लीगल तरीके से चौधरी लाल सिंह ने अपने प्रभाव से, चूंकि वो मंत्री थे, कुछ रेवेन्यू ऑफिशियल्स उस वक्त के, उनका इस्तेमाल करके, को अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस ज़मीन को आरबी एजुकेशन ट्रस्ट के नाम पर कर दिया गया था। लेकिन इस बीच ये भी सुनने को मिल रहा था कि ये जो एक राजनीतिक दबेश के कारण हो रहा है। हालांकि चौधरी लाल सिंह की बात करें तो उनके समर्थक ही सड़कों पर दिखे, ना कि आम पब्लिक का साथ उन्हें मिला। आपको ये भी बता दें कि चौधरी लाल सिंह का जो एक तरह से बसोली कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके लिए एक महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, लेकिन वहाँ से भी कोई उस तरह से लोग चौधरी लाल सिंह के समर्थन में सामने नहीं आए थे। हालांकि उनके जो समर्थक थे उन्होंने लगातार यहाँ पर ईडी कार्यालय के बाहर प्रोटेस्ट भी किया, धरने प्रदर्शन किए, वो वहाँ पर बैठे भी, लेकिन उसके बाद काफ़ी सख्ती कर दी गई। वहाँ पर एक मौखिक तौर पर जो है पुलिस द्वारा ये कहा गया, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये कहा गया कि यहाँ पर 144 लगा दी गई है। वहाँ पर ईडी कार्यालय के बाहर किसी को जाने की अनुमति नहीं थी जब तक चौधरी लाल सिंह वहाँ पर थे। उसके बाद चौधरी लाल सिंह के सुपुत्र भी बाहर आए, उन्होंने भी कई तरह के आरोप लगाए और उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर्स ने भी उन्हें पूरी तरह से ईमानदारी से चेकअप नहीं किया जब चौधरी लाल सिंह को वहाँ पर हॉस्पिटल में लेके जाया गया। उसके बाद ये भी कहें कि बीजेपी नेताओं के भी बयान आए, रविंदर रैना ने जहाँ कहा कि चौधरी लाल सिंह एक अच्छे आदमी हैं, अच्छे नेता हैं, हमें लगता है कि अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था उनके साथ इस तरह से केस नहीं डालना चाहिए। तो वहीं मनकोटिया की बात करें, बलवंत सिंह मनकोटिया की, तो उन्होंने निशाना भी एक तरह से साधा, भले ही उन्होंने ये कहा कि चौधरी लाल सिंह हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कह दिया कि चौधरी लाल सिंह अगर बिल्कुल भी गलत नहीं हैं तो फिर उन जैसे एक बड़े नेता को डरने की क्या ज़रूरत है। उनको इतनी सी एक छोटी सी गिरफ्तारी, जो उनको गिरफ्तार कर ले जाता है, अगर कोई मामला ही नहीं है तो फिर क्यों डर रहे हैं। बीपी चढ़ता उतरता रहता है, एक बड़े नेता के लिए ये मायने नहीं रखता। ये बलवंत सिंह मनकोटिया का बयान था, जम्मू संवाद को उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था। फिलहाल अब कल पर नज़र रहेगी, कल पर निगाहें रहेंगी कि क्या कल उस फैसले में कल वो फैसला माननीय कोर्ट जो है वो सुनाती है, और अगर सुनाती है तो क्या चौधरी लाल सिंह को बेल मिलती है या फिर उन्हें बेल रिजेक्ट हो जाती है। फिलहाल ये कल के लिए एक बड़ी खबर रहेगी। आप देखते रहें जम्मू संवाद। नमस्कार।